हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं अपने क्लास 10th जो उसका चैप्टर नंबर 10.1, और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखे तो उनको जाकर जरूर देखें। अब बात करते हैं अपन 10.1 जो व्रत वाली जो चैप्टर है उसका सवाल नंबर पहला। क्या लिखा हुआ आपके सामने कि एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो क्लास 10th का जो अपने चैप्टर नंबर 10 बेसिक स्टार्ट किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बेसिक के अंदर मैंने आपको बताया था वृत्त, ये रहा वृत्त, वृत्त के ऊपर जैसे कि ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये मतलब अनंत स्पर्श रेखाएं अपन यहां पर खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत। वृत्त के ऊपर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जाकर जरूर देखें अच्छे से, और फिर इस पर आ जाए, क्योंकि जो डेफिनेशन परिभाषा वगैरह थी मैंने उसमें लिखवा दी, ठीक है ना। तो व्रत के ऊपर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 2, और सवाल नंबर 2 क्या कहता है पढ़ लेते हैं एक बार इसको। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की क्या करनी है हमें? पूर्ति करनी है कब? जब किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे फिर डैश 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 और बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये रहा वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था कि कितने बिंदुओं पर? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा उसे हमेशा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? हमेशा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश 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 कहते हैं। ये रहा अपना वृत्त, वृत्त को दो बिंदुओं पर, एक तो ये रहा बिंदु, एक ये रहा बिंदु, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मैं बता दूं आपको, उसको कहते हैं प्रतिच्छेदी, या फिर क्या कहते हैं दोस्तों? छेदक रेखा, या तो कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा या फिर क्या कहेंगे? छेदक रेखा, जो व्रत को कितने भागों में काटती है? दो भागों में काटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो अगला जो सवाल है, एक व्रत की डैश 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 समांतर स्पर्श रेखाएं, पिछली क्लास के अंदर मैंने ये भी लिखवाया था आपको, एक व्रत की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है दोस्तों? दो। कितनी हो सकती है? एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यह भी मैंने आपको लिखवा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, ये रहा वृत्त और ये रही उसकी स्पर्श रेखा, दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? मैंने पहले ही बता दिया था कि उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये हो चुका है चौथे का आंसर, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहा जाता है वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, स्पर्श बिंदु कहा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ये था अपना सवाल नंबर 2, ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन बात करते हैं सवाल नंबर 3 की, कि सवाल नंबर 3 क्या कहता है। सवाल नंबर 3 जो ये है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर जो है स्पर्श रेखा जो है PQ, केंद्र O से जाने वाली रेखा को बिंदु Q पर जो है इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या बनाएंगे अपन? सबसे पहले वृत्त बनाएंगे। सवाल भी पढ़ लीजिएगा, सवाल नंबर कौन सा है दोस्तों? 3। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, सवाल लिखूं क्या यहां पर? लिख दूं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के
बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू इस प्रकार क्यू पर इस प्रकार मिलती है बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर तो पी क्यू जो है ना इसकी लंबाई जो है हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। किसकी लंबाई निकालनी है पी क्यू की लंबाई हमें ज्ञात करनी है कि पी क्यू की जो है लंबाई है वो कितनी हमारे पास आ जाएगी। तो सवाल तो बड़ा ही आसान है, जैसा सवाल कहता है वैसा अपन चित्र बनाकर जो है इसके आंसर निकाल लेंगे, पर सवाल समझ में आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो सवाल पढ़ लिया, अब इसको अपन यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, ये बनाया एक वृत्त, ये बना दिया एक वृत्त। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पी से पी पर स्पर्श रेखा, बिंदु पी मान लो यहां पर, इस पर कोई स्पर्श रेखा बना ली, ये क्या है बिंदु पी है। बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली स्पर्श रेखा की क्यू पर इस प्रकार मिलती है। बिंदु जो क्यू है पी है ना, बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू, स्पर्श रेखा क्या है पी और ये क्या हो गया क्यू। आया समझ में, स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि बिंदु ये रहा केंद्र और ये केंद्र का नाम क्या है ओ, और वो भी ओ से जाने वाली एक रेखा से क्यू पर इस प्रकार मिलती है। ओ से जाने वाली एक रेखा ये हो गई जो क्यू से इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर कितना है 12, ओ क्यू ये कितना है 12 सेंटीमीटर, ये क्या हो गई इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है लंब होती है, और लंब होती है तो यहाँ पर कितने डिग्री कौन बनेगा 90 डिग्री का। तो हमें पी क्यू ज्ञात करना है, ये वाला मान हमें निकालना है, और 5 सेंटीमीटर की क्या है त्रिज्या, ये 5 सेंटीमीटर हो चुकी है अपने पास। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत वाली बात है? चित्र एक बार वापस बनाकर मैं समझा दूं, कोई एक व्रत है और उसका स्पर्श बिंदु क्या है भाई पी है, ठीक है, पी पर स्पर्श रेखा कौन सी है पी क्यू, इधर पी दे दिया इधर क्या नाम दे देते हैं क्यू, ये हो गई स्पर्श रेखा पी क्यू। पी क्यू जो है केंद्र कौन सा है ओ है, ओ से जाने वाली एक रेखा, अब ओ से कोई एक रेखा जा रही है जो किस पर मिलती है बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि इसका मान हो गया 12 और ये हो गई इसकी त्रिज्या, और केंद्र से जाने वाली जो त्रिज्या है उस स्पर्श बिंदु के ऊपर क्या होती है सदैव लंब होती है, और लंब का मतलब कितने डिग्री कोण बनेगा 90 का, और ये त्रिज्या है और त्रिज्या सवाल में कितनी दे रखी है 5, ये बन चुका है अपना चित्र। और हमें ज्ञात करना है पी क्यू की लंबाई, पी और क्यू की लंबाई। ठीक है दोस्तों, अब बताओ ध्यान से, चैप्टर नंबर 8 अपन ने पढ़ा है 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है कर्ण होता है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आधार। अब बात करते हैं अपन आंसर की, तो पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी है पहले ही, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है दोस्तों यहां पर 12, तो ये लिख दिया मैंने 12 और 12 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार हमें निकालना है तो आधार वो ही रहने दो, प्लस लंब कितना है दोस्तों 5 है तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर यानी कि 12 × 12 आधार का स्क्वायर चलने दो, प्लस 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 12 × 12 144 बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, प्लस के 25 को कहां भेजेंगे इधर
तो 144 और प्लस का 25 रहेगा तो माइनस में बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। 144 में से अगर 25 घटाओगे तो कितना आएगा 119 और बराबर आधार का स्क्वायर। इस स्क्वायर को हटाने के लिए आपको पता होगा कि हम क्या लेते हैं, वर्गमूल लेने पर, और वर्गमूल लेते हैं तो इधर आ जाता है अंडर रूट, और इधर भी क्या आ जाता है अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो आंसर क्या आ गया 119 अंडर रूट के अंदर आधार का मान। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो पी क्यू जो भुजा है, यानी कि पी क्यू जो रेखा है उसकी जो लंबाई है वो कितनी आ चुकी है अंडर रूट 119, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात है, चित्र हमने बना लिया, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है और ये लंब हो गया तो ये आधार, पाइथागोरस प्रमेय लगाए और मामला अपना खत्म हो चुका है। ये था अपना सवाल नंबर तीसरा। दोस्तों सवाल नंबर चौथे की बात करते हैं, एक बार आप अपने हिसाब से अपने बुक के अंदर उस चौथे सवाल को जरूर पढ़ लीजिए, फिर यहां पर जो है मैं उसका चित्र बना देता हूं। सवाल नंबर चौथा क्या कहता है, सवाल नंबर चौथा यह है कि मैं पढ़ता जाऊंगा आप सुनते जाना, अगर बुक आपके पास नहीं है फिलहाल तो, और अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है। चौथा सवाल ये कहता है कि एक व्रत खींचिए, अपनी इच्छा से कोई एक व्रत खींचना है तो प्रकार लिया और माप लिया कोई भी इच्छा से, और एक व्रत हमने यहां पर ये खींच दिया, ये इसका क्या हो गया केंद्र हो गया। एक व्रत खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो रेखाएं खींचिए। एक दी गई रेखा, तो दोस्तों एक दी गई रेखा मैं ले लेता हूं बाहर की तरफ, अंदर नहीं लेना है, बाहर ले लो फिलहाल आसान रहेगा। ये हो गई एक बाहर की तरफ रेखा। अब आपको क्या करना, देखना ध्यान से, बाहर की तरफ जो है एक रेखा लीजिए, बाहर की तरफ सॉरी एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, दी गई रेखा कौन सी हो गई, ये यहां पर लिख दूं मैं दी गई रेखा, ये दी गई रेखा बाहर की तरफ ले ली, ठीक है। दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं कीजिए, अब इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है जो एक तो हो स्पर्श रेखा और दूसरी क्या हो छेदक रेखा, तो ये लीजिए इसके समांतर मैंने ये खींच दी और एक लीजिए मैंने ये खींच दी, तो ये तो हो गई स्पर्श रेखा और ये क्या हो गई दोस्तों छेदक रेखा, ये हो चुका अपना चौथा सवाल। एक वृत्त खींचा, उसकी एक रेखा दी गई है, उसके समांतर कोई दो ऐसी रेखाएं खींचिए, एक तो छेदक हो, ये दो जगह छेद कर रही है, और एक स्पर्श रेखा हो जो एक जगह काट रही है, तो ये अपना जो सवाल है सवाल नंबर चौथा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये जो चैप्टर है 10.1 अच्छे समझ में आया होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और मिलते हैं अगली क्लास नई 10.2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।